अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं वो त्रोड़ में ब्लू वर्ल्ड रिजॉर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पर पहली दफ़ा वो त्रोड़ में होटल खोल दिया गया है। होटल के ओनर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका और आपने यहाँ पर होटल खोल दिया है तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम हसन सुभानी है और शिनजादा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल के यहाँ पे आए और जिस तरीके से आप प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म को और जिस तरीके से आप अवेयरनेस लेके आ रहे हैं टूरिस्ट के लिए, उसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और इस होटल के बारे से ये है कि मैं खुद ट्रैवलर हूँ, मैंने पाकिस्तान का नॉर्थ जो है एक्सप्लोर किया है और लेकिन ऐसी जगह मैंने नहीं देखी थी जहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हों, जहाँ पे झीलें भी हैं, आबशारे भी हैं। तो उस हवाले से ये था कि टूरिस्ट के लिए यहाँ पे कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, उनको कलाम में स्टे करना पड़ता था, वहाँ से फिर यहाँ के जगह को देखना पड़ता था, उसके बाद फिर वापस जाना पड़ता था। तो टूरिस्ट के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, कोई सहूलियात नहीं थी। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये एक इनिशिएटिव लिया और हम उनको ये मैसेज देंगे कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पे ऐसी खूबसूरत जगह जो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं है। सवात में जिस तरीके की ग्रीनरी है, जिस तरह वाटरफॉल्स हैं, आबशारे हैं, झीलें हैं, इस तरह की जगह और कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर वो आएँ और यहाँ के इंजॉय करें, नेचर को ऑब्जर्व करें और यहाँ के कल्चर को देखें और हम उनको यहाँ पे वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। ब्लू बर्ड रिजॉर्ट जो है ये वो त्रोड़ शाहिनाबाद में वाक़ है। ये कुमराट जाते हुए रास्ते में आता है, अखड़खड़ई झील, शाहीबाग और यहाँ पर मतलब बहुत सारे मकाम तो जो है ना यहाँ पर मौजूद है। मैं थोड़ा सा होटल का मंजर आपको दिखाऊँ, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। इस वक्त भी काफ़ी सयाह मतलब मौजूद है, कुमराट से जो सयाह आते हैं वो यहाँ रुकते हैं और कलाम से भी सयाह आते हैं या वो यहाँ रुकते हैं और यहाँ से फिर खड़खड़ई झील, कंडूल झील, शाही बाग और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा मैं होटल के अंदर आपको ले जाता हूँ, कमरा आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि वो हम आपको दिखाई। ये अगर आप देखें तो बाइकों में भी लोग आए हुए हैं, काफ़ी रश यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस होटल के जो ऑनर है उसका नंबर आपको दे दूँ और आपको मतलब मैं आप खुद ही राबिता इनके साथ कर सकेंगे। ये होटल आप देखें मतलब ये यूज्ड कमरा है, अभी मतलब इसमें लोग ठहरे हुए हैं लेकिन हमने इसके रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा हम इसको दिखाना चाहते हैं, सुबह सुबह है तो इसके वॉशरूम आपको मैं दिखाना चाहता हूं। अगर आप वॉशरूम देख ले तो बिल्कुल साफ़ सुथरे वॉशरूम है, बिल्कुल बेहतरीन सब चीज़ें यहां पर मतलब अवेलेबल है, मतलब सयाहों को जो ज़रूरियात चाहिए वो मतलब यहाँ पर मौजूद है। दूसरा ये है कि आपके अपने कमरे से आप नज़ारा भी कर सकते हैं त्रोड़ वैली की, देसान वैली की। हसन आप ये आपसे थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, थोड़ा सा आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि रेट्स क्या है, रेट आप लोगों ने क्या लगा रखे हैं यहाँ पर? ये रेट्स हमारे जो हैं वीकेंड्स के ऊपर 5000 है और वीकडेज में 4000 है। 4000 पर रूम? अच्छा, पर रूम। और इसमें बेडशीट वगैरह, मैट्रेस वगैरह लगे? जी, डबल बेड हैं, हर रूम में हमारे डबल बेड हैं और दो कम्प्लीमेंट्री मैट्रेस भी देते हैं सर। ठीक है। अच्छा ये बताए कि खाने में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ? खाने में हमारे पास सारे आइटम्स हैं जी, चिकन में भी हैं, मटन में, बीफ में, उसके अलावा हमारे जो स्पेशल आइटम्स हैं उसमें ट्राउट फिश है। अच्छा जी, उसके अलावा वेजिटेबल हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास, बारबेक्यू। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आप ड्रोन के जरिए भी इसका लोकेशन देखें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत डिसीजन है, मेरा अपना ख्याल यही है। मैंने इसको अप्रिशिएट करने के लिए इस जवान को, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मैं बेसिकली खानपुर से हूँ। खानपुर से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खानपुर से ये मतलब हसन आए हैं और यहाँ पर सयाहों को बेहतर सहूलत दे रहे हैं। हमें लग रहा था कि ये एक सुनसान होटल होगी, यहाँ पर कोई नहीं ठहरा होगा, लेकिन आप यकीन माने इनके पास अभी भी जगह नहीं है और मतलब कुमराट जाने वाले, गबराल जाने वाले, खड़खड़ई झील, मुख्तलिफ इलाकों के जो जितने भी सयाह है वो यहाँ आके ठहरते हैं, रात गुजारते हैं और फिर अपने मंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल में गुड डिसीजन है। Thank you.
मछली, ये ऑर्गेनिक दरियाई स्वाद का अपना मछली है। ट्राउट मछली जायके में बेमिसाल, तवानाई से भरपूर, ये यहाँ आपको मिलेगा। स्वाद की खसूसी सौगात है ये, और ख़ासकर उतरोड़ में जब आ जाते हैं तो ये डिमांड आपने ज़रूर करना है कि हमें ट्राउट खिलाओ। बाकी रेट इनके साथ कर ले क्योंकि ये महंगा भी है। जी फिर आज इस वक्त हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद है, वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर, आप क्या कहेंगे यहाँ पर, मतलब उतरोड़ में है और ऐसी होटल में है कि ये नया नया होटल है, ये उतरोड़ का वाहिद होटल है। असल में ये बड़ी अच्छी जगह पे इन्होंने होटल इस्टेब्लिश किया है, क्योंकि कुम्हरार जाते हुए यूजली समटाइम फैमिलीज होती हैं तो बंदा लेट हो जाता है, और इधर उतरोड़ में इससे पहले जो है कोई इस तरह की सेटलमेंट नहीं थी कि जहाँ बंदा रात को स्टे कर सके। एक अच्छी काविश है इन लोगों की, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि ये ऑन द वे है और आई थिंक इनके रेट्स भी बड़े मुनासिब हैं और अच्छी जगह पे बना हुआ है, और माशाल्लाह न्यूली इस्टेब्लिश है जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर भी। और मेरी तो इनके लिए दिली ख्वाहिश है कि ये इस तरह ही जो है ना वो इस तरह और बिज़नेस पॉइंट्स जहाँ पे बने इस तरह के, ताकि लोगों को मज़ीद जो है ना वो रोज़गार का मौका मैसर हो। ठीक है, हमारी बहन क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा ये इलाका? बहुत अच्छा लगा है, बड़ी खुशी है हमें यहाँ आके। लाहौर से हम आए हैं स्पेशली घूमने के लिए, और हमें ये 5 दिन हो गया लेकिन बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ आके। 5 दिन हो गए, माशाल्लाह। झगड़ा तो आपस में नहीं किया? नहीं। अक्सर सफर में झगड़ा हो जाता है इसलिए मैं कह रहा हूँ। यूजली जो है ना वो जब बंदा ऊंची जगह पे होता है ना तो वो सिंड्रोम होता है, हाइट सिंड्रोम, जिसकी वजह से बंदे को गुस्सा आता है, हमें वो गुस्सा नहीं आता क्योंकि हम लोग आदी हो चुके हैं। साल में यूजली 2 टूर्स हम लाजमी करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, मेरी दुआएं। आपने देखा यहाँ पर, मतलब ये रास्ता चूँकि कुम्हरार को भी जाता है, और खड़खड़ई झील, कंडूल झील, स्पिनफर्ड झील, इजमेस झील, बहुत सारे झीलें यहाँ पर मौजूद है, तो ये एक बेहतरीन काविश है। मेरा ख्याल है कि जिसने भी ये बनाया है अच्छा ही किया है। एक मुकामी शहरी मौजूद है, ड्राइवर है यहाँ लोकल, इनसे जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है अबू सईद। अबू सईद, यहाँ पर कौन कौन सी जगहों को मतलब जाना चाहिए और किराया कितना है? इधर से इंशाल्लाह जगह तो बहुत है, लेकिन खड़खड़ी झील है, शाही बाग है, कंडोल झील है, टॉप दश्त लेला है, तो उतरोड से गाड़ी जाता है खड़खड़ी झील, इसका किराया है 5,000 रुपये सुबह से शाम तक। तो इसके अलावा शाही बाग है, उसका भी ऐसे रेट है, 4,000 रुपये इसका रेट है। तो मेहमानों के साथ सुबह जाता है, शाम को वापस आता है। तो कंडोल झील है वो थोड़ा दूर है, इसका तो तकरीबन 5,000 रुपये किराया लेता है। हम और कुम्हरार वैली भी आप लोग जाते हैं कि नहीं? जी कुम्हरार वैली भी जाता है, इधर से कुम्हरार का भी तकरीबन रेट है 12,000 रुपया, वो मेहमानों के साथ लेके जाता है, सुबह लेके जाता है, शाम को वापस आता है। अगर रात को उधर मेहमान रुक जाता है तो उसका 15,000 रुपये लेता है। अच्छा, ये बताए कि बाड़गुई पास और दश्त लैला आप जाते हैं? जी बाड़गुए टॉप है, उसमें भी जाता है, तो बाड़गुए टॉप से तकरीबन थोड़ा आगे टॉप दश्त लैला भी है, उसमें भी 4x4 जाता है। अच्छा, कितना किराया है? तो बाड़गुए टॉप का है 5,000 रुपया। ब्लू बर्ड रिजॉर्ट होटल में यहाँ पर कुछ सयाह भी आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए, कैसा लगा ये इलाका, ये होटल के हवाले से बताओ और कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं? जी सर, हम अटक की तहसील पिंडी गेप से आए हैं, काफ़ी दूर दराज से सफ़र करके आए हैं सवात और कलाम देखने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा, हमारे इलाके में तो काफ़ी गर्मी है, इधर आके काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं,
इधर काफ़ी इन्वायरमेंट अच्छा है। और अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वादी डिसान, उधर हम जा रहे हैं। तो इधर होटल जो ब्लू बर्ड्स की रिजॉर्ट्स की है मैनेजमेंट है, इन्होंने काफ़ी हमारा अच्छा ख्याल रखा है और हमें काफ़ी अच्छी खुशी महसूस हुई है, घर की कमी महसूस नहीं हुई इधर। ये असल में ये पूरे उत्तराखंड में एक ही होटल है, तो मेरी इंतजामिया से गुजारिश है कि इस पर और वर्क करना चाहिए, ताकि सयाह दूर दराज से आएँ तो उनको इधर वादी अतरोड में और भी फैसिलिटीज मिलें। ये ना हो कि एक होटल के बजाय अगर ज़्यादा रश हो तो, ताकि सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। एक मैसेज है मेरा पाकिस्तानी अवाम के लिए कि जब वो आए इधर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जब वो सियाती मकाम देखने के लिए जाते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो सफाई सुथराई का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि सफाई निसफ ईमान है। उनका कहना यह है कि आप जो खाने के पीने की जो चीज़ साथ लाते हैं और कोई गंदगी नहीं होती, लेकिन आपके साथ जो खाने पीने की जो अशिया है, बोतल है, आप जो मतलब दिगर जो फ्रूट वगैरह है, इनकी जो गंदगी है वो आपने मतलब सेव करना है, अपने साथ रखना है, क्योंकि डस्टबिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपने साथ रखना है और फिर कहीं जाके वहाँ पर फेंकना है।